चॉकलेट्स, ये भी बच गया एक, ये लो तुम बोले थे ना बच गया तो हमको देना, ले लो। Hey guys, assalam alaikum. Hope you guys are doing absolutely fine. It's 10:10 in the morning. हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ? वाम पे। खाओ खाओ मजे करो, अच्छा अच्छा खाओ और जान बनाओ। चलो मैं तो समेटने आया हूँ सब कुछ, देखो वॉश ही रे पे ना। चलिए भाई साहब, इट्स टाइम टू गो टू द फार्म, बहुत सामान लेके जाना है। ये सीट पहले बंद कर देंगे, सीट बंद करेंगे तभी तो सारा सामान जाएगा। अरे यहाँ से बांबू किधर गए? अरे तुमने बना के लेके आ गए? ये तो आज बनाने के थे। ये चारों खराटे बना के लेके आ गए अम्मी ने, अम्मी ने 5 खराटे उस दिन दिए और ये 4, देखो इतने लगते रहते। भाई साहब मेरे को फार्म पे ना बहुत क्लीनलीनेस लगती है, और जो भी मैं मेरे वर्करों पे भड़कता हूँ ना, अक्सर से एक चीज पे ही भड़कता हूँ, वो है साफ सफाई। अम्मी ने और 4 लेके आ गए। देख रहे तुम लोग, ये पूरा खाने का आइटम है, ये मेरा नहीं है, ये सब बटेगा। बाप रे का रखूं इसको यार, रख देते हैं। हाँ एकदम सही एडजस्ट हो गया, सिर्फ ये ऊपर रख देते हैं क्योंकि ये निकल जाएगा तुरंत। चलो ऑलमोस्ट डन, बस याद कर रहा हूँ कुछ और तो नहीं बचा, कुछ और तो नहीं बचा, बचा है। याद आया मेरे को, देखो ऐसे याद आते रहता। और पहले जैसा था ना, हर दिन इनोवा जाती है, कोई टेंशन नहीं ले लेंगे, और अब वैसा नहीं है, अब हफ्ते में 2 ही दिन निकलती है इनोवा, एक तो वेनेसडे एक संडे, तो ये 2 दिन में जो सामान लेके जाना है सब लेके जाओ। मुझे ये लेके जाने हैं बैनर, ओ ओ काम बढ़ा दिया मैंने। चलो 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 खत्म, और कुछ तो नहीं है, एक बार फिर से याद कर लेता हूँ, याद कर रहा हूँ गाइस। सवेरे के 10:20, चलो एवरीथिंग डन, अब हम निकल सकते हैं फार्म के लिए बिना कोई चिंता के। यस, बिना कोई चिंता के 10:20 पे निकले थे, 10:37 हो रहे हैं, 10:20 पे हम हमारे घर से निकले थे, यहाँ पे 10:37 को पहुंच गए, मगर फिर भी ये भाई साहब नीचे नहीं आए। देखे तुम, ऐसा तो इनके मिजाज है, क्या करेंगे अभी, क्या झेलना तो पड़ेगा दोस्त है ना। देखो गाइस 10:37 के 10:38 हो गए, ये बंदा अभी भी नहीं आया। हाँ हाँ दिख गया दिख गया, आ गया आ गया, ये बंदा आ गया। अरे ऐसा बोला करो, मैं रेडी नहीं रहता यार शॉट लेने के लिए। ए यहाँ पे सब नहीं है एक्टिंग वाले काम, आ यहाँ पे ओरिजिनलिटी है, पब्लिक नाराज है तुम्हारे से। क्यों तुम कितना लेट करते है? 37 के 39 हो गए, और मेरा लॉग में दिखा ना मैंने कब कॉल किया वो तो बता। इनके कॉल से उठा मैं आज सच्ची में। अरे ये वाला डब्बा अंदर भेजो जरा घर में तुम्हारे। ये देखो इनको कैसा झाड़ू लेके जाते हुए। ए तुम इधर आ जाओ नसीम भाई, तुम इधर आ जाओ, तो वहां से झाड़ू थमा देंगे। देखे नसीम भाई कहे चिल्ला रहे, जब से चिल्ला रहे थे ऐसा ही मेरी आवाज सुने चिल्लाना शुरू कर दिए, मेरी आवाज जैसे ही सुने चिल्लाना शुरू हो गया। 11:41 हो चुके हैं, अभी कुछ और 20 बचा हुआ है, 20 के बाद खिलाएंगे, जब तक थोड़ा रिलैक्स किया जाए, पानी पिया जाए। इट्स 10:33 इन द मॉर्निंग, आ गए हम फार्म पे गाइस, कैसा हाल हो गया देखो। ये जो 10:30 है ना, ये अगले दिन के, दिस इज द नेक्स्ट डे गाइस। कल मैं ऐसा बिजी हुआ हूँ फार्म पे आने के बाद, तो रात को ऐसा समझो कि 1:30 बजे तक मैं बिजी था, उसी कारण जो है मैं सवेरे आज जिम भी नहीं जा पाया। आज का जिम हमारा स्किप होने वाला है शायद से, क्या पता मैं जब घर पे जाऊँ और मेरा मूड बन जाए और मैं जिम को चले जाऊँ, मगर वही है ना यार, खाने के बाद थोड़ा सा अपने को जिम करने को कंटाल आता है कंटाल। कल जो आप लोगों ने वीडियो देखा कैसा लगा, आपने आपके थॉट्स तो कमेंट में भर दिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अभी तक तो देखा भी नहीं मैंने, प्रीमियर पे डाल दिया था मैंने जब मैं फ्री हुआ था कल। चलो बढ़ते हैं फार्म। इसके काटे क्या नहीं काटे? मेरे बच्चे काजू कतली अभी नवाब का बाकी है, सिर्फ नवाब का बाकी है, और नवाब का ये इसका बाकी इसका सही है काटो। जो भाई खून कटिंग हो रही है यहाँ पे, खूटे वाले सब हो गए ना, सिर्फ मेंढे बचे, सिर्फ मेंढे बचे। चलो सही है, देखो ऐसे काम किए जाते हैं यहाँ पे, मैनेज किया जाता है। मैंने कल ही इनको ब्रीफ किया था, फूटे वाले जानवर और फिर ये वाले जानवर, कट कर देना आप लोग इनके नाखून, अब ये हो जाएंगे, जब तक अपना बकरियों का भी कर लेना सब,
एग्जॉटिक वाला भी और कोटा वाला भी, दोनों वहां का पूरा खत्म कर देना, फिर कल यहाँ का एक लाइन ले लेना, फिर एक लाइन ले लेना, ऐसा करना। जरूरत नहीं है पूरे एक साथ करने की। क्यों भाई साहब, क्यों लोड लेने का ज्यादा? जब काम आसानी से होता है तो आसानी से करना चाहिए, प्रेशर डाल के नहीं करना चाहिए। कोहिनूर भी बोल रहा है सिंह इलाके। हाँ ये बात तो सही है। क्यों कोहिनूर, सही है क्या? नहीं, लाला की कमान कैसी लगी तुम लोगों को बताओ जरा, और लाला की तैयारी कैसी लगी? ये लाला जब आया था तुम लोगों ने देखे थे ना, इसको देखे थे तुम लोगों ने जब अपने लेके आए थे? इसका भी वीडियो बनाएंगे आप, एंट्री कैसी हुई थी और एग्जिट कैसी हो रही है। ये बहुत आगे की चीज बनेगा, देखना इंशाल्लाह। लक्की है ये, लक्की ये अभी भी बिकाऊ है गाइस, तुम लोग ले सकते हो। जब तक बिकेंगे नहीं तब तक दिखाते रहूंगा जो बेचने वाले आइटम है। आगे तू इसको कितनी बेचैनी होती है, मैं आया कि हिलना शुरू हो जाता है ये। मेरा मालिक आ गया खाना डालने के लिए। अजूबा लाइगर, चलो मैं तो राउंड मार रहा हूँ, घूमता हूँ पूरा देखता हूँ। ए सुल्तान कर दे चटाई। सुल्तान अच्छा गेम कर रहे, माशाल्लाह अच्छा गेम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू जमजम? ये आज क्या तारीख है? आज 13 तारीख है शायद। हाँ आज 13 तारीख है। इंशाल्लाह इनको लेके जाने का, इनको लेके जाने का चेकिंग के लिए, देखेंगे नेक्स्ट वीक लेके जाएंगे, नेक्स्ट वीक। यस इसका लूज हो गया भूत यार, तेरा मास्क बहुत लूज हो गया है, रुक टाइट करता हूँ। तो लग रही है, कह रहे नहीं नहीं है, है एक्टिव है, मेरे को लगा लो हो गई है। सब लोग डर के एक जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं, सबकी कट गई ना, बता भी नवाब बचा था वो भी ले लिए, चलो सही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ देखो जम्बो के साथ मस्ती की जा रही है, जम्बो एकदम एक्शन मूड में आ जाता तुरंत। वो ऐसा देगा ना तो फिर हमको तुमको चुनना पड़ेगा। चलिए भाई साहब, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फीड करा के हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानवरों ने खा लिया, खा पी के मस्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ए इसको है ना, इसको काजू कतली को, काजू कतली को मैं अलग से हाथ में लेके खिलाता हूँ, बाकी जो भी आते रहते ना उनको हटाते रहता हूँ, ऐसा करना पड़ता है यार। मुझे नहीं पता क्यों मगर वो मेरा फेवरेट हो गया है, वो मेरा फेवरेट है भाई साहब। ये खसियों में मेरा वो फेवरेट है काजू कतली, फिर ये नवाब, फिर ये अपना क्या नाम रखा था मैंने बिक्शो, फिर ये देखो वो वाला सोजत, ये वाला सोजत, ये वाला एक बकरा, इसका नाम नहीं रखा है अभी तक मैंने, इसका भी कुछ नाम रखना है। दीज आर माई फेवरेट फ्रॉम खस्सी गोट्स अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। और ये जितने भी दिखाए ना मुझे, इसमें से 2 सोजत छोड़ दो, बाकी सारे बिकाओ है। हाँ वो जो 2 सोजत है ना, 2 सोजत और यासर भाई का अव्वल, ये 3 बकरे कुर्बानी के, बाकी सब बिकाओ है। काई कुरे हाँ ऐसा ही करते रहता। अरे बुर्रा ऐसा मत कर भाई, लाला खा पी के एकदम फिर से खड़ा हो चुका है, खा लिया पूरा दिन, शाम तक फिनिश करते ना बेटा। कुछ जानवर है ना हमारे से डालो खत्म, कुछ जानवर ऐसे होते हैं हमारे स्लो हो जाते हैं, शाम तक के फीड वो लोग रखते हैं अपने, मगर शाम तक के खत्म कर देते। जैसे देखो ये एक बकरा है अभी यहाँ पे कोटा, ये अभी आया हुआ है अपने पास, कुछ 3 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, ये अभी जो है ना फुल तैयारी पे, तैयारी मतलब एकदम टूटा हुआ बकरा, ये फुल बिठाता है, फुल बिठाता है, मगर एक सर्टन टाइम के बाद जब है ना वेट अच्छा पुट ऑन कर लेते हैं ना जानवर, उसके बाद है ना स्लो हो जाते हैं, वो स्लो हो जाते हैं ना, तो उस वक्त पे हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो है उनको जो फीड उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उसको उसका पूरा इंटेक वो लोग करें। अब वो कैसे करें वो कलाकारी होती है, वो तुमको करना पड़ेगा भाई साहब। क्यों सुल्तान तूने तेरा खा लिया पूरा? सुल्तान तो बोलता सिर्फ आने दो अच्छा बनेगा इंशाल्लाह सुल्तान। देखो यहाँ पे भी एक बकरा हमने डाल दिया है, एक ही केज खाली है हमारा, ये जैसा ही वहाँ का केज खाली होगा ना ये बकरा हम लोग ऐसे शिफ्ट कर देंगे, वहाँ के केजेस खाली होंगे ना तो यहाँ का बकरा वहाँ पे चला जाएगा, ये सिर्फ हमारे फीमेल्स के लिए रहेंगे। कल एक सब्सक्राइबर आए थे, वो हमारे साथ काफी देर बैठे हुए थे, उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया एक केज के लिए, उन्होंने बकरा लिया है और उनको पलाई पे अपने पास ही रखना है, मगर उनको मैंने सारी चीजें समझाया तो मैंने उनको बोला कि भाई अब तो नहीं रख सकता मैं, मगर आप अगले साल के लिए बुकिंग कर सकते हो, अगले साल के लिए उन्होंने दो केज बुक कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे पास बकरे रखने हैं मगर हमारे पास केजेस की कमी की वजह से हम लोग बकरे रख नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, तो अगले साल के लिए बुक कर दो, आप खुद ही बोल दो कि आप अगले साल के लिए रखोगे तो इंशाल्लाह हम बता देंगे आपको कि यस बुक कर दो आपके नाम से, 2 केज या 3 केज 4 केज 5 केज 10 केज 15 केज, हमारे पास 34 केजेस है बकरों के लिए। आप पीछे फुल खड़े हो गए, शाबाश शाबाश माशाल्लाह वांटेड। ये वही बकरा है 14 किलो गेन किया था जिसने 1 महीने में।
अल्हम्दुलिल्लाह वांटेड। सब बकरों की वीडियो, सब बकरों की रील्स, ये सब आना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। अब तो मैं सोचता हूँ कि सब बकरों की वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ ताकि वो आप लोगों तक जल्दी पहुँचे और आप लोग जल्दी जल्दी उन्हें परचेस कर ले और आपका शौक पूरा करें। चलो सब आराम कर रहे हैं, मैं तो जानवर चेक करने आया था, सब देख लिया मैंने, हो गया। एक काम कर भाई साहब, जरा ऊपर चढ़, अंडे हो गए होंगे चार अपने, निकाल। ये देखो कैसा धो ले, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को आराम करने तो बोलता सिर्फ, वो भी माशाल्लाह लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अभी तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोगों को सब बकरे दिखने वाले, अभी सब बकरे अपने ब्रीडिंग सेटअप पे छोड़ के सिर्फ देख आए ना अंडे। देखो गाइस हमारे चार अंडे आ चुके हैं, निकालो इसको। तुम लोग तैयार हो जाओ, एक एक करके सारे बकरे दिखाना शुरू कर रहा हूँ मैं, सारे बकरे, जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। अब देखो अब शुरू हो चुका है गेम, गेम में बने रहिए, कहानी में जुड़े रहिए, क्योंकि मजा आने वाला है बॉस। चले तेरी भी वीडियो वापस बनाऊंगा, तेरे को पहले हेयर कट करूंगा, तेरे मालिक से पहले ले लूंगा परमिशन। ये देखो मेरी गैंग सब तैयार है दिखने के लिए, अगले साल के भी कुछ जानवर है वो नहीं दिखाऊंगा, बाकी सब दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तुम लोग अभी बस तैयार रहो, जितने बकरे सब दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच।